अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुंझुनूवाला का अजमेर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और साथी पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान झुंझुनूवाला ने कहा कि पार्टी ने उन्हें अवसर दिया है, अब सभी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के माध्यम से लोगों की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ और साथ ही ये भी कि उद्योग के जरिए पहले से ही लोगों को रोजगार देने का काम कई सालों से वो करते आ रहे हैं, लेकिन राजनीति का दायरा बड़ा होता है और इसके माध्यम से ज्यादा लोगों का विकास किया जा सकता है। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि अजमेर से उनका पुराना नाता रहा है, वे राजस्थान के भीलवाड़ा में ही पले बड़े हैं और अब अजमेर ही उनकी कर्म भूमि है। उनकी यहाँ सारी रिश्तेदारियां भी है और साथ ही कारोबार भी उनका यही फैला हुआ है। और साथ ही एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अजमेर के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मिले, इसके लिए वे पूरे प्रयास करेंगे और अजमेर का विकास ही उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। चुनाव में आने का एक कारण है कि भाई चुनाव के जरिए से एक लोक सेवा करने का मौका मिले, बाकी तो और बिजनेस में करने का मौका मिलते ही रहता है, लेकिन चुनाव एक राजनीति ऐसा जरिया है जिसके लिए आप लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो, उनका भला कर सकते हो, उसी को प्राथमिकता मानते हैं।